संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव विश्वदर्शी विश्वभर में महानता कोई नहीं उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई उसकी ताकत उसके जलवे तुम किसी से पूछ लो असल में वह कौन है ये जानता कोई नहीं उसकी ताकत उसके जलवे तुम किसी से पूछ लो असल में वह कौन है ये जानता कोई नहीं वेद का ये आचरण वेद का ये ज्ञान था आचरण करने के लिए सुन तो सब लेते हैं लेकिन मानता कोई वेद का उपदेश था आचरण करने के लिए सुन तो सब लेते हैं लेकिन मानता
है भीगता दुख दर्द की बरसात में, हर घड़ी ये भीगता दुख दर्द की बरसात में, पथिक शुभ कर्मों का छाता तानता कोई नहीं। पथिक शुभ कर्मों का छाता तानता कि क्या शायद ये जिंदगी किसी के काम गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग हजारों किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर दे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा पवित्र और सुंदर जीवन हम सबका बने जिसमें सबके लिए स्नेह हो, जिसमें सबके भले की प्रार्थना हो, जिसमें हमारा भाव हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसमें ऐसी हृदय से प्रार्थना निकले कि जो सबके कल्याण के लिए हो, केवल जिसमें प्रार्थना अपने लिए न हो, केवल जिसमें मांग अपने लिए न हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी मांगते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा ऐसी है जिसमें हम दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मांगते हैं, सबके भले की कामना करते हैं। कभी नहीं कहा कि मेरा भला हो, कभी प्रार्थनाओं में ये नहीं कहा हमारे संतों ने ऋषियों ने कि हमारा ही भला, सर्वे भवन्तु सभी का भला हो, सबके सुख की कामना, सबके मंगल की कामना, केवल मेरा भला नहीं प्रभु सबका भला कीजिए। सबका कल्याण कीजिए। इसलिए जब मंगलाचरण भी हम करते हैं तो उसमें वयम त्वा स्मरामो, अहम त्वा स्मरामो नहीं बोलते, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं और मैं तुम्हारा भजन करता हूं, ऐसा नहीं।
वयम त्वा स्मरामो वयम त्वा भजामो। हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, हम सब आपका भजन करते हैं, हम सब आपके चरणों में आना चाहते हैं, हम सब आपकी पूजा करना चाहते हैं, हम सब आपको देखना चाहते हैं। ये हम सबको साथ लेने की जो परंपरा है, जो एक साथ जीने की जो प्रक्रिया है, वो हमारी सनातन परंपरा में ही है। इसलिए हम सब श्री ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते हैं, लाज भगत की। हम सब यहाँ भक्ति भाव से ही बैठे हैं, इसलिए श्री ठाकुर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरा अज्ञान, मेरे पुण्य, मेरे पाप, सब तेरे समर्पित है। और जब एक बार हम सब मिल करके उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो हम सबकी पुकार जल्दी सुनता है। अकेले प्रार्थना करना और सबके साथ प्रार्थना करना, समगच्छत्वं समवदत्वं, सबके साथ मिलकर बोलना, सबके साथ चलना, एक साथ बैठकर जब एक साथ कहते हैं, हे करुणा निधान, हमारी पुकार सुनो, तो निश्चित रूप से वो सबकी पुकार सुनी जाती है। लाज भगत की, शरणागत की, तुम ना रखोगे तो कौन रखे। शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की, शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। धीर भगत की, शरणा सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की, लाज भगत की।
करता है प्रभु। मैं नादान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपको भूल जाता हूँ, पर तुम मुझे मत भूलना। ये सोच कर कि किस भक्त ने मुझे पकड़ रखा है, ये सोच के आप मेरा हाथ मत छोड़ देना। आप मेरा हाथ थामना, मैं आपका हाथ थाम पाऊं या न थाम पाऊं, पर आप मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं तो बालक हूं, अबोध हूं। एक बालक जब पिता का हाथ पकड़ता है तो किसी परिस्थिति बस, किसी भयवश, किसी कारणवश वो कभी न कभी छोड़ भी सकता है, लेकिन जब पिता एक पुत्र का हाथ पकड़ता है तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं तो अबोध हूँ, मेरी बाह आप ही पकड़ के मुझे आगे ले जाओगे, आप ही मुझे सहारा देगो। आपका ये फर्ज है, आप पिता हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सर्वस्व हैं हे दीनानाथ, इसलिए मैं अधिकार के साथ आपसे कहता हूँ, लाज भगत की शरणागत की, लाज भगत की शरणागत की। तुम ना रखोगे तो कौन रखे, शरणागत ही कह सकता है, अन्यथा हर किसी के वश की बात नहीं है। जो शरणागत हुआ ही नहीं है उसका अधिकार भी नहीं है कि वो उसे बोल सके कि आपका आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी बाह पकड़ोगे, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी सुनोगे, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर रखा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब रास्ता आप तय करने वाले हो, मैं तो चलने वाला हूँ ही नहीं। ये मेरे कदम जरूर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चलते तो आप ही हैं अपनी ऊर्जा दे करके, रास्ते आप ही चुनते हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं। ये शरणागत ही कर सकता है, जैसे भक्त अर्जुन करता है। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं चलने वाला नहीं हूं, चलाने वाले आप हैं। जब भगवान कहते हैं कि इस रथ को किस दिशा में लेकर चलो, कुरुक्षेत्र के मैदान की तैयारी बागडोर भगवान ने संभाल ली, इस रथ को किस दिशा में लेकर चलूं अर्जुन। पीछे बैठे हुए अर्जुन और रथ हांक रहे श्याम सुंदर पूछते हैं, बता तू किस दिशा में ले जा रहा हूं, ले जाना है इस रथ को। तो अर्जुन कहता है, प्रभु जब आपने बागडोर पकड़ ही ली है तो मुझे क्या पूछते हो कि किस दिशा में जाना है, कहां ले चलना है, कहां जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। मेरे रथ को हांकने वाले आप, मेरी गाड़ी जो जीवन रूपी गाड़ी है उसको चलाने वाले आप, तो फिर मैं कौन होता हूँ। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। न है चाह कोई
न है कोई अर्जी और कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो भी हंस के सहूंगा और जहां ले चलोगे वही मैं चलो। अब मेरे मन की मैं नहीं सुनता, अब तो मैं केवल आपकी सुनता हूँ। आप जो आदेश दें वैसे ही जीवन जीता हूँ, आप जैसा कहें मैं वैसे ही चलता हूँ। ये समर्पण की स्थिति है। ये अर्पण और समर्पण का भाव है जो हमें कभी कभी दिखाई देता है, कहीं कहीं दिखाई देता है। जिसमें सारा अहम समाप्त हो जाता है और ऐसे भक्त के पास स्वयं चल करके भगवान आते हैं जो समर्पण कर देता है। ऐसा लगता है भगवान राम वन भक्तों को दर्शन देने के लिए, जो अतृप्त हैं उनको तृप्त करने के लिए, जो प्यासे हैं उनको तृप्त करने के लिए, जो कब से प्रभु को निहारना चाहते हैं, कई कई जन्मों से वो तड़प रहे हैं, उनकी उस पिपासा को शांत करने के लिए मानो ये कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए गए हैं। तमाम रास्ते कांटे भरे हैं जंगल में, तमाम तकलीफें हैं, तमाम पीड़ाएं हैं। इतना सहज रास्ता नहीं है, ये इतना सुलभ नहीं है। महलों को छोड़ करके जंगलों की यात्रा सुलभ नहीं होती, बहुत कष्ट भरे हैं। कदम कदम पर कांटे हैं, कदम कदम पर ठोकरें हैं, कदम कदम पर पीड़ा दर्द है। केवल फल, केवल जो कुछ मिल जाए, ऐसा भी नहीं कि कोई वहां तैयार बैठा है फल की टोकरी लेकर के आएंगे राम इस रास्ते से और हम उन्हें खिलाएंगे। जहां कहीं मिल जाए थोड़ा बहुत कुछ तो पा लेना है। मेरे राम अपने इस जीवन से ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे रहे हैं तपस्वी बनने की। पूरी दुनिया को यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें जीवन में थोड़ा बहुत तप करना ही चाहिए, तुम्हें जीवन में साधक बनना ही चाहिए, तुम्हें जीवन के हर पहलू को समझना ही चाहिए, जिसमें कांटे भी होंगे और जिसमें पुष्प भी होंगे। ये मानो अपने कदमों को बढ़ाते हुए पूरे समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में सदैव सुख ही नहीं होता, कभी कष्ट भी होते हैं। जो महलों की राजकुमारी हैं जानकी मैया, जिनके एक कदम रखने से पहले तमाम गलीचे बिछे मिलते थे, मानो लोग अपने पलकों पर रखा करते थे उनको, जो सबकी लाडली आज बन बन भटक रही है। राम कथा आपको बहुत जीवन की गहराइयों तक सीधे सीधे जोड़ देती है। विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते,
पीछे तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब देखने से कोई इधर उधर दिखाई नहीं देता। कभी थोड़े से दर्द और आंसू में तमाम लोग आ जाते थे, पर आज इतने कष्टों में भी कोई पूछने वाला नहीं। करम गति तारे ना ही करे, ये विधाता की न जाने कैसी लीला है। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हो, विधि ना तेरे लेख किसी समझ न आते हो। जन जन Good.
गंगा जैसे हरि चरणों से, गंगा जैसे हरि चरणों से, गंगा जैसे संकट सहज भाव से सहते, संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, मन को जाते समझ न आते हैं, संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, दर्द में मुस्कुराना राम सिखाते हैं। आप कहोगे स्वाभाविक तो यह है कि दर्द में आंसू निकलते हैं, स्वभाववश तो दर्द में रोना ही आता है, स्वभाववश तो दर्द में तड़पते ही हैं, लेकिन राम कहते हैं इस स्वभाव को बदलो। दर्द में रोना तो सभी जानते हैं, लेकिन दर्द में मुस्कुराना सभी नहीं जानते हैं। संकट सहज भाव से सहते, बार बार मां जानकी के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, कांटों को निकालती हुई रुधिर बहता जाता है, लेकिन आगे कदम बढ़ते जाते हैं। पीड़ा तो हुई होगी माता, लेकिन समाज को वो पीड़ा नहीं दिखाई। यदि सामान्य रूप से एक बार को देखो तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि ये समाज सीख पाए कुछ, और हम यदि भक्त बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो तपस्वी बनना पड़ेगा। राम जी के नाम को भोले बाबा अपने हृदय में धारण करते हैं सदैव, और सदैव तप में लीन रहते हैं, तपनिष्ठ रहते हैं, और यही कारण है कि वो विष को भी ग्रहण कर जाते हैं और तनिक भी वो विचलित नहीं होते। जहां देवता भी विष को फेंकना चाहते हैं, जहां सभी लोग विष से दूर होना चाहते हैं, वहां भोलेनाथ उस विष को पान कर जाते हैं, तब नीलकंठ कहलाते हैं। ये साधना कोई सरल नहीं है, ये सहज नहीं है, एक सामान्य सा सीढ़ी का पत्थर है। वो सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से बात करता है। तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, तेरा रंग भी ऐसा ही है, मेरा रंग भी ऐसा ही है, तू भी उसी खान से निकला, मैं भी उसी खान से निकला हूं, तेरा नाम भी पत्थर ही है, मेरा नाम भी पत्थर है, लेकिन यहां आने के बाद इतना बदलाव कैसे आ गया? हम तो साथ ही साथ रहते थे, एक ही जैसे थे, पत्थर ही तो थे, लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से कहता है कि इतना बदलाव कि लोग मेरे सर पे पैर रख के जाते हैं और तेरे पैरों में सर रख देते हैं।
मेरे सर पे पैर रखते हैं और तेरे पैरों में सर रख देते हैं। इतना बदला। मूर्ति के पत्थर ने सीढ़ी के पत्थर को समझाया, भैया मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप सहन किया है, तप किया है, कष्टों को सहा है, दर्दों को पीड़ाओं को झेला है, मैंने हथौड़े की चोट सही है, मैंने छेनी की मार सही है, मैंने धूप और वर्षा सही है, मुझे काटा गया, छांटा गया, मुझे चोट दी गई, न जाने मेरे साथ क्या क्या किया गया, मैंने कष्टों को ज्यादा सहन किया है और तुमसे वो चोट सहन न हुई, तुम चोट खाकर दूर गिरे, तुमको सीढ़ी में लगा दिया और मुझे मूर्ति बना दिया। इसलिए कहा भी है कि जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। चोट सहन करनी पड़ती है। हम चाहते तो हैं कि हम श्रेष्ठ बने, लोग हमारे नाम के जयकारे लगाएं, लेकिन जीवन में बहुत जल्दी कुमला जाते हैं। समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है और छुपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। उतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, क्योंकि अपनी पीड़ाओं को यदि दर्द को किसी से बोलोगे तो दूसरा भी दुखी हो जाएगा। और सबसे अपनी पीड़ाएं बोली भी नहीं जाती, आपके दर्द को हर कोई समझे ऐसा नहीं। तब कहा भी कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू बाहर निकलने के लिए ही नहीं है, कुछ आंसू पी लेने के लिए भी होते हैं। हर आंसू आंख में लाया मत करो और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। तकलीफें सबके लिए भी नहीं होती, सबके सामने कहीं भी नहीं जाती। इसलिए जितनी भर बांटनी है मुस्कुराहट बांटो, दर्द तो बहुत कम बांटने के लिए होता है। दर्द तो किसी ऐसे अपने के साथ ही बांटा जाता है जो उस दर्द को महसूस कर सकता हो, जो आपकी भावनाओं को समझ सकता हो, जो आपको हृदय से प्रेम करता हो, नहीं तो जीवन को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाइए, जैसे भगवान राम जानकी लखन लाल आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निषाद राज के पास जब पहुंचे हैं तो क्योंकि वो नगर में नहीं जा सकते, वो नगर से बाहर रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, थोड़े बहुत फल लिए हैं जो निषाद राज ने भेजे और जमीन पर सैया बना करके घास फूस को बिछा करके आज सो रहे हैं। वो विधाता जो सबको सब कुछ देता है आज स्वयं धरती पर ले गया है। निषाद राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बार बार कैकई को कोसने लगते हैं। तब राम समझाते हैं, भैया उसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी माँ का उपकार है मुझ पर कि मुझे इस रास्ते पर भेजा, जिस रास्ते में आप जैसे मित्र मिलेंगे, तमाम संत मिलेंगे, सबका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, ये तो उसका उपकार है, माँ के बारे में कुछ मत कहना। रात्रि विश्राम करके जब प्रातः हुआ
गंगा मैया में स्नान आदि किया, पार जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, तो केवट का सहारा मिला। केवट को आवाज लगाई, भैया हमें पार लगा दो। उस पार जाना है तो केवट ने देखा, देखकर नेत्र तो धन्य हो गए, दौड़ करके आया और भगवान को रोकते हुए कहता है, जरा रुको, आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो राम जी को कह दे रुको। ये सामान्य सा मल्ला सूर्यवंशी रामचंद्र को कहता है कि रुको, ये कहता है देखो लखनलाल भैया, मैं इसलिए रोक रहा हूं कि मैं जानता हूं इनके पैरों में बड़ी जादूगरी है, बड़ी चमत्कारी है। मैंने बहुत किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, नाव पर बैठना चाहते हो, यदि पार होना चाहते हो तो इन चरणों को पहले मैं धोऊंगा और धोके इनकी सारी चमत्कारी दूर करूंगा और तब जाके अपनी नाव पर बिठाऊंगा। अगर ऐसा मंजूर है तो नाव में चढ़ेंगे तो मैं पार कर दूंगा, और ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो खड़े रहो इसी पार। मांगी नाव न केवट आना, और कहा हूं तुम्हार मरम में। एक सामान्य सा मल्ला कह रहा है, सामान्य सा केवट कहता, ऐसा तो बड़े बड़े योगी भी नहीं कह पाते कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति ही कह सकता है। बड़े से बड़े योगी तपस्वी भी कई बार उसको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो सामान्य सब मल्लाह जो नाव चलाता रहता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ये तो भाव और समर्पण का ही विषय है, क्योंकि शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हूं जाहे निरंतर गावे। नारद से सुख प्यास रखते पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहिर की छोहरिया छचियावर छाच पे नाच न चाच। ये तो कोई और ही रास्ता है जो कह सकता है कह ही तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं प्रभु आपको। और आज मनोभाव से ये भक्त कह रहा है, प्रभु मुझे क्षमा करना, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन बिना पैर धोए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, बस बस, क्योंकि आपके चरण में कोई जादूगरी है। जब आप पत्थर की एक शिला को स्त्री बना सकते हो, ये तो काठ की नाव है, काठ पत्थर से ज्यादा सख्त तो होता नहीं। आप जब पत्थर को भी स्त्री बना सकते हो तो नाव है प्रभु, मेरी क्या औकात है। मेरी नाव यदि स्त्री बन गई तो मैं पेट कैसे भरूंगा, मेरे बाल गोपाल तो भूखे ही मर जाएंगे। एक स्त्री तो पहले ही है और ये भी स्त्री बन गई तो फिर मेरा तो गुजारा है ही नहीं। वो आपने कहानी सुनी होगी, वो लकड़हारे वाली लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, तो जल देवता से प्रार्थना करता है व्यक्ति, मेरी कुल्हाड़ी निकाल दो प्रभु, कृपा करो, यही बस गुजारा करने के लिए कुल्हाड़ी एकमात्र मेरे पास साधन है, अब कैसे पेट भरूंगा, मेरी कुल्हाड़ी निकाल दो। तो प्रार्थना सुन ली और जल देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए। कहा ये आपकी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं नहीं ये मेरी नहीं। दोबारा चांदी की निकाली, बोले ये भी मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार मैं लोहे की निकाली, कहा ये तुम्हारी है? इसने कहा हाँ प्रभु यही मेरी है, ये कुल्हाड़ी मेरी।
तो जल देवता बड़े प्रसन्न हुए, कितना ईमानदार है। है तो सामान्य सा व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है, लेकिन इसका ईमान बहुत पक्का है। तो प्रसन्न हो गए जल देवता और तीनों ही कुल्हाड़ी पकड़ा दी। ये तीनों लेकर के जाओ, तुम बड़े ईमानदार हो। अब यहाँ तक आपने कहानी सुनी। अब हुआ ये कि कुछ दिन के बाद आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो हो ही जाता है, आपस में थोड़ा बहुत नोकझोंक हुई, झगड़ा हुआ, थोड़ा विवाद हुआ, और फिर उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो बहुत तंग कर रखा है, अब मैं दिखाती हूँ तुम कैसे झगड़ते हो। और क्रोध में आकर के वो दौड़ी दौड़ी आई और उस तालाब में धड़ाम से कूद गई। मैं प्राण देकर दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब तो बेचारा परेशान। अब ये दौड़ा दौड़ा पीछे से आया, तब तक तो उसने छलांग लगा दी थी। अब फिर इसने प्रार्थना की, हे जल देवता, अब की बार मेरी पत्नी गिर गई है, उसको निकाल दो। जब बार बार प्रार्थना करी तो जल देवता बड़ी सुंदर सी स्त्री को लेकर के प्रकट हुए, एकदम देवी के जैसी, एकदम मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है। और इसको लेकर प्रकट हुए और इसने देखा और पूछा कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है। इसने देखा और देख करके कहा, यही मेरी पत्नी है, बिल्कुल यही है। जल देवता कहते हैं कि ये तो तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम्हारी नियत सोने पर नहीं डिगी, चांदी पर नहीं डिगी, स्त्री को देख करके नियत डिगा रहे हो। इस लकड़हारे ने कहा कि इसमें नियत की कोई बात नहीं है। तो बोले, पहले मेरी कुल्हाड़ी गिरी थी, मैंने कहा जब सोने की निकाली कि मेरी नहीं है, चांदी की निकाली कि मेरी नहीं है, लोहे की निकाली तो मैंने कह दिया हाँ ये मेरी है। आप प्रसन्न हो गए, आपने तीनों कुल्हाड़ी मुझे पकड़ा दी, अब की बार पत्नी गिरी है और मैं कहूंगा कि ये मेरी नहीं है, फिर दोबारा मैं कम सुंदर निकालोगे, मैं कहूंगा मेरी नहीं है, फिर मेरी वाली निकालोगे, मैं कहूंगा यही है, और प्रसन्न होकर तीनों ही पकड़ा दी, तब तो मेरा गुजारा होगा ही नहीं। एक तो रोज परेशान करते, कैसे पेट भरूंगा। तो मैंने सोचा कि पहली बार में ही, और कुछ ऐसी ही स्थिति केवट के शब्दों में दिखाई देती है कि प्रभु मैं जानता हूं आप पत्थर को भी स्त्री बना देते हो, तो मेरी नाव तो काट की है, ये भी स्त्री बन गई। तो एक तो पहले ही घर में है, ये भी बन जाएगी स्त्री, तो मेरे पास तो कोई रोजगार का साधन तक नहीं है, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इतना समय क्यों लगा रहे हो, जल्दी से चरण धुलवाओ और आप गंगा पार हो जाओ। आप भगवान समझ गए, ये तो भक्त जाने कि भगवान जाने। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जैसे मन में आए वैसे तुम कर। तब तो इसने अपने बाल गोपालों को, अपनी पत्नी को, परिवार को, सबको बुला लिया और सबके साथ, धन्य है ये केवट जिसने राम जी के चरण पखारे हैं, चरण पखारे हैं, चरणामृत लिया है, शीश पर धारण किया है, और बड़ा गदगद हो गया। आओ प्रभु अब विराजमान हो जाओ, और बिठाया और गंगा पार करा दिया। और जब पार करा दिया तो भगवान राम ने जानकी जी की तरफ तिरछी नजर से थोड़ा सा देखा, जानकी जी समझ गई कि कुछ उतराई देनी है, और मुद्रिका उतार कर मानो कुछ भेंट स्वरूप देने लगी। राम जी कहते हैं कुछ अपनी उतराई तो रख लो, कुछ भेंट तो रख लो। केवट कहते हैं प्रभु उतराई, आपसे उतराई क्यों लूंगा, आप तो मेरी ही बिरादरी के हो। और जो सुना तो लखन लाल तो पूरे झुझलाओ, ये क्या कहते हो केवट, हम सूर्यवंशी और तुम एक साधारण से मल्ला, और तुम कहते हो कि मेरी बिरादरी के हो। हाँ लखन भैया, मैं सच कहता हूँ, इनकी और मेरी तो एक ही बिरादरी है। लखनलाल और क्रोधित हुए, बोले एक बार और अगर कह दिया तो यहीं पर तीर मार दूंगा।
तब केवट कहता ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, गंगा मैया का किनारा होगा, राम जी का दर्शन होगा और आपके बाण से मरूंगा तो सीधा का सीधा कल्याण ही होगा। इसमें भी कुछ अच्छा ही है, पर मैं तो यही कहूंगा कि मेरी और इनकी एक ही बिरादरी है। मैं गंगा पार करता हूं और ये भौसे पार करते हैं, इसलिए मेरी और आपकी तो एक ही बिरादरी है। मैं यहां पार कर रहा हूं लोगों को, आप वहां पार करते हो लोगों को, पर मैं उतरा ही नहीं लूंगा प्रभु। और प्रेमी कभी मांगता भी नहीं है। स्वामी राम ने कुछ शब्द कहे बहुत सुंदर है कि भक्त परमात्मा से कहता है कि इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा, मैं एक तरफा माने मेरी तरफ से, मैं ये नहीं जानता कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं आप पर पूरी तरह समर्पित हूं। इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें देखूं तो चाहूं तो चाहूं तुमने मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुमने मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं, और भूल से अगर मांग लूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर प्रेमी कहां रहूंगा। मैंने मांगा और आपने दे दिया, मैं तो मांगूंगा ही नहीं। लेकिन यदि कभी भूलवश अज्ञानवश मांग भी लूं तो आप देना मत, नहीं तो मैं प्रेमी नहीं साधक नहीं एक मजदूर बनकर रह जाऊंगा। ये भक्त की सोच है। तो क्या चाहिए, भगवान आज प्रसन्न होकर कहते हैं क्या चाहिए। तो आज भक्त कह रहा है, केवट कह रहा है कि प्रभु आज घाट आप मेरे आए, मैंने पार उतार दिया, जब घाट तुम्हारे मैं आऊं तो मुझको पार लगा देना, जब घाट तुम्हारे मैं आऊं तो मुझको पार लगा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे सर पर अपने दो हाथ रख दो, केवल आशीर्वाद दे दो, केवल यही मेरी इच्छा है, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं तो अपना गुजारा कर लेता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, दिन भर नाव चलाता हूँ, मेरी रोजी रोटी आनंद से चल रही है आपकी कृपा से, पर बस अपने ये कोमल हाथ मेरे सर पर रख दो और अपनी कृपा की दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, जब तक इस दुनिया में रहूं, और जब इस दुनिया से जाऊं तो बस अपनी शरण में ले लेना। इसने तो बहुत कुछ मांग लिया, सहज भाव से बिना लिए बहुत कुछ ले लिया, और हम ऐसे हैं कि हम मांगते भी हैं और मांगना भी नहीं आता, मांगते भी हैं और मांगना भी नहीं आता। एक बालक ने तपस्या की, तीन वरदान ब्रह्मा जी ने उसको दिए, प्रसन्न होकर तुम तीन वरदान मांग सकते हो, तो इतनी देर में उस बालक के माता पिता आ गए, अरे बेटा तुम क्या मांगोगे, ऐसा करते हैं तीन वरदान ब्रह्मा जी दे ही रहे हैं तो एक एक वरदान तीनों मांग लेते हैं, एक एक वरदान तीनों मांग लेते हैं। अब बालक है, माता पिता से कहे भी तो क्या कहे, ठीक है सबसे पहले मां आगे आई और कहती है ब्रह्मा जी आप प्रसन्न हैं तो देखो मेरी तरफ जरा, मेरे चेहरे पे झाइयां पड़ गई है, झुर्रियां पड़ गई है, कमर झुक गई है, कमर टेढ़ी पड़ गई है, अब ठीक से चला भी नहीं जाता है, बुढ़ापे की सी स्थिति आ गई है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप तो मुझे 18 वर्ष की एकदम नव युवती बना। भगवान ने कहा तथास्तु, 18 वर्ष की ये बुढ़िया बन गई। अब जब ये 18 वर्ष की बन गई तो बगल में बूढ़े बाबा खड़े हैं,
और उन्होंने जैसे ही देखा एकदम क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। मैं बूढ़ा और ये 18 वर्ष की घूमेगी, ये सहन नहीं हुआ। चाहते तो वो भी मांग सकते थे कि मैं भी 20-22 वर्ष का बन जाऊं, लेकिन मन में ऐसा द्वेष ऐसा क्रोध आया, कहा अब आप क्या मांगोगे? तो कहा ब्रह्मदेव आपने अभी जिसको 18 वर्ष की बनाया है उसको गधी बना दो। द्वेष है ना मन में। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वरदान कितने चले गए, रह कितने गए। अब बेचारा बालक कहां देखे, अपनी माँ की इस अवस्था को देख रहा है, पिताजी की इस अवस्था को देख रहा है, और एक वरदान बचा है। और ब्रह्मा जी सामने खड़े होकर कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। अब वो बालक कहता है प्रभु मैं मांगू तो मांगू क्या, अब तो मुझे एक वरदान में यही दे दो कि जैसे मेरी माँ पहले थी बस उसको वैसा ही बना दो। कुछ मिला और वरदान भी पूरे। चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन मांगना सबको मांगा था। एक बार सावित्री ने 3 वर मांगे थे यमराज से, एक वरदान में अपने बूढ़े जो सास ससुर हैं उनकी आंखें मांग ली थी। दूसरे वरदान में उनका छीना हुआ राज्य मांग लिया था, किसी ने हत्या लिया था। और तीसरे वरदान में जो यमराज उनके पति के प्राणों को लिए जा रहे थे, तो अपनी कुशलता से अपने विवेक से उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया था। यमराज ने भी पीछा छुड़ाने के लिए सोचा ठीक है जो चाहिए ले लो, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा। अरे मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हो और मुझसे कहते हो कि तुम पुत्रवती हो जाओगी, कैसे ये फल आपका वरदान कैसे फलेगा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तब तुरंत यमराज ने सोचा, उसने अपने पति के प्राणों को भी अपनी तपस्या से, अपने पतिव्रत धर्म से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने विवेक से वापस लिया। अपने पति के प्राणों को भी ले लिया। हम विवेक से यदि मांगे तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, पर हम विवेकहीन होकर के जो मन पे आता है मांगते रहते हैं, और इसलिए शायद हमारी हर मांग पूरी नहीं होती। कहते हैं मैंने उससे जो मांगा उसने मुझे वो नहीं दिया, क्योंकि हमारा तो मन है ना, कभी ये मांगेगा कभी वो मांगेगा, हमारी तो कभी लिस्ट पूरी होती ही नहीं। मैंने उससे जो मांगा उसने मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जो मेरे हित में है वो जरूर करता है। आज केवट ने कुछ नहीं मांगा और बिना मांगे सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, कुछ बचा भी नहीं। और एक प्रार्थना हाथ जोड़ करके ये भक्त करता है, ओ मेरे सर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख दे ठाकुर, देना हो तो दे।
क्या मांगे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। देने वाले श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे से महंगी है एक नजर हाँ एक नजर कृपा की भगवन नाम इज्जत से महंगी है प्यार की छैया कर दे तो
पतवार पकड़ ले तो बिन माझी के ऋषिकेश में बुलाया है कि साथ मिलकर चलना सीख जाओ ना। ओ मेरे सर पर रख दे ठाकुर, मेरे सर पर रख दे अपने ये दोनों। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद। केवट कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपने कुछ नहीं दिया, पर नाथ आज मैं काह न पावा। आज ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने पा नहीं ली है? जब आपको ही पा लिया तो बचा क्या है? जब आपको ही देख लिया तो अब बचा क्या है? आपको ही निहार लिया तो अब बाकी कुछ बचा नहीं है। इसलिए नाथ आज मैं काहन पावा, केवट गदगद हुए, केवट धन्य हुए। और भगवान राम भी उस भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं, केवट के उस भाव से बड़े प्रसन्न हुए हैं। इसलिए अपना भाव सरल रखना हमेशा। न जाने किस राह से चलते हुए राम आपके पास आ जाए।
जिन न जाने किस भेष में चलते हुए राम आपके पास आ जाए। हमेशा सावधान रहना, मन के कोने में एक भाव जरूर रखना। कोई भूखा बालक या कोई गरीब या कोई भूखा जब आपके सामने आ जाए तो कभी उससे नजरें फेर कर मत जाना, न जाने वो किस रूप में तुम्हें मिले तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। कभी मुंह फेर कर कभी धुतकार कर आगे मत बढ़ना। किसी भी रूप में राम आ सकते हैं। देखने की इच्छा है तो वो कहीं पर दिखाई दे सकता है, पर सावधान होकर के कदम बढ़ाना। स्वयं केवट के द्वार पर ही तो राम आ गए। मन में अटूट विश्वास है तो तुम्हें राम जी के द्वार पे जाना नहीं पड़ेगा। राम जी तुम्हारे यहां आकर के तुम्हें दर्शन दे सकते। मन में अटूट विश्वास है। ये सत्य बात है। वैसे तो उसको जानने की पहचानने की हम साधारण लोगों में हिम्मत ही क्या है, लेकिन फिर भी यदि कोई भूखा कोई गरीब कोई सामने से मिल जाए कोई आवश्यक तो कभी नजर मत फेरना। भगवान राम बड़े गदगद हुए हैं जब ऐसा भाव केवट का देखा है। पार उतारा आगे बढ़े। प्रभु आगे गए हैं चित्रकूट इत्यादि से आगे बढ़ते हुए अब एक स्थान पर पहुंचे हैं जो अत्रि मुनि का आश्रम है, जहां पतिव्रता माता अनुसुईया रहती हैं। जिनके तप में इतनी शक्ति है कि जो तीनों देवों को भी लाल बनाकर गोद में खिला सकती हैं। जब वहां गए तो बहुत स्वागत किया है अनुसुईया जी ने जानकी जी का। एक पुत्री की तरह से उनको भीतर बुलाया है। अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया और बड़े आनंद से अपने गृहस्थ आश्रम में बड़े आनंद से जीवन जीते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि कोई भी आश्रम हो, कोई भी आश्रम क्यों ना हो, यदि मन में पवित्रता है, यदि मन में त्याग की भावना है, यदि मन में सबके लिए प्रेम है, तो वही आश्रम आपको आनंद देने लगता है। और नहीं तो केवल कपड़ों को रंगने से भी कुछ फायदा होने वाला। कपड़े भी रंग जाए और मन भी रंग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कभी कभार कपड़े न भी रंगे और मन रंग जाए तो भी उस पूर्ण में मिल जाते हैं। अनसुईया और अत्रि मुनि के आश्रम में इतनी शोभा है, इतनी शालीनता है, इतना ज्ञान और मानो इतना वैभव है। सादगी में जो वैभव है उसका कहना ही क्या। उनकी अपनी जीवन में तपस्या है, उनका तप है, उनकी साधना है। व्यक्ति की पहचान केवल धन से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके सद्कर्मों से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके सच्चरित्र से होती है। ये सब साधन तो बहुत बाद की और पीछे की बात है, सारे साधन पीछे पीछे घूमते हैं, यदि व्यक्ति श्रेष्ठ है तो। किसी भी आश्रम में रहो उसको छोटा मत समझो। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, हम तो गृहस्थ में आकर फंस गए। अरे उसको साधन बनाइए और साध्य तक पहुंचने का प्रयास करिए।
एक गृहस्थी कह रहा है हम आकर फंस गए, सन्यासी कह रहा है कि हम क्यों आ गए, हम भी गृहस्थ में होते तो अच्छा था। एक संत की कुटिया थी और उसके सामने एक गणिका रहती थी, एक वेश्या रहती थी। वो संत रोज उसको देखा करते थे और वो वेश्या रोज संत को देखा करते थे। संत जब उस वेश्या को देखते थे तो वो सोचते थे कि मैं भी यदि इस भेष में नहीं होता तो मैं भी जीवन के तमाम रंगों को देखता। वो उसको देख करके सोचते कि मेरे जीवन का कहीं अधूरापन रह गया, मैंने जल्दी संन्यास धारण कर लिया, यदि मैं अभी सन्यासी न होता तो कभी वहां जाकर मैं भी ताक झांक कर लेता। और वो गणिका ये सोचती कि मेरा जीवन प्रभु ने कैसा दे दिया मुझे, यदि मुझे कभी अवसर मिला होता और मेरा ऐसा सौभाग्य होता तो मैं भी कभी इन संत चरणों की सेवा कर लिया करते। और दोनों में से जब कल्याण हुआ तो उस गणिका का ही हुआ। आप किस स्थान पर किस तरीके से रहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप गृहस्थ में हैं, सन्यास में हैं, वानप्रस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य में, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप जहां हैं वहां कितने ईमानदारी से, कितनी तल्लीनता से और कितने भाव से आप उस स्थान पर रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऋषिकेश में आने के बाद भी खाली ही लौट जाना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किस पदवी पर हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जो पदवी आपको मिली उसको आप कितना सुंदर तरीके से संभाल पा रहे हैं, कितने समर्पण भाव से उस पदवी को संभालते हैं। आज अत्रि मुनि का आश्रम महकता है, लोग उनके चरण छूते हैं, दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते हैं और माँ अनुसुईया की शरण में आकर के ममता पाना चाहते हैं, उनके तेज और तप से प्रभावित हो करके दुनिया धन्य हो रही है। और नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि चार महात्मा ब्रह्मचारी वो कहीं से जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, अपने गुरु के आश्रम जाना था और उस आश्रम में जाकर के गुरु के दर्शन करने थे। चार महात्मा हैं, ब्रह्मचर्य जीवन है, चारों एक साथ गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मार्ग पैदल का है क्योंकि बहुत पहले की स्थिति है, साधन कोई है नहीं, कई दिन मार्ग में लगने वाले हैं। तो एक नदी बीच में आई, अब ये नदी को पार करना चाहते थे तो एक सामान्य सी स्त्री आकर के कहती है, भैया इस नदी में पानी बहुत ज्यादा है, क्या आप मुझे पार करा दोगे। साय हो रही है, रात्रि होने से पूर्व की ही ये स्थिति है, थोड़ी देर में भैया अंधेरा हो जाएगा और मैं एक बहुत सामान्य सी महिला हूँ, दिन भर फल बेचती हूँ और अपना पेट पालन करती हूँ और मेरा छोटा सा बालक उस पार है जहाँ मेरा घर है और मुझे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं रात्रि यहीं रुक जाती, मेरी अकेले की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं नदी पार कर लूं, पानी बहुत ज्यादा है, क्या पार करा देंगे। तो एकदम सबने कहा, नहीं नहीं, हम तो स्त्री को छूते छूना तो छोड़ो देखते तक नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि स्त्री को देखना तक नहीं है, हम ऐसा नहीं करा सकते। पर एक ब्रह्मचारी ने उनमें से आकर के कहा कि आओ मैं आपको पार कराता हूं, उसकी बांह पकड़ी और पानी में उसको पार कराने लगे। बीच नदी आई तो पानी बहुत ज्यादा होने लगा तो पैर उखड़ने लगे इस स्त्री के। अब इस ब्रह्मचारी ने सहज भाव से ही इसको उठाया और कंधे पर बिठा लिया और पार करा दिया। ये अपने घर चली गए, ये यात्रा के लिए वापस आगे बढ़ गए। लेकिन जो तीन और ब्रह्मचारी थे उनके मन में बड़ा क्रोध है, जाते ही गुरुजी से कहना है इन्होंने बहुत बड़ा कर्म, पाप कर्म कर दिया, आपने मना किया आपके बाद भी इन्होंने स्त्री को छुआ, और छोड़ना तो छोड़ो केवल हाथ भी पकड़ लेते वो भी कोई बात नहीं थी, कंधे पर भी बिठा लिया।
जाते ही पहले गुरुजी से यही बात करनी है। और ये तीन दिन का बीच में रास्ता था, एक दिन यहाँ लगा, चार दिन इनको चलते चलते हो गए। और चार दिन के बाद जब ये आश्रम में पहुंचे तो गुरुजी को देखते ही तुरंत कहने लगे, गुरुदेव सबसे पहले तो आप इस ब्रह्मचारी को आश्रम से निकालिए, इसने नियम का उल्लंघन किया है, आपने स्त्री को देखने तक से मना किया, इसने छुआ और छूना छोड़ो, नदी पार कराते समय इसने कंधे पर भी बिठा लिया, सबसे पहले इस ब्रह्मचारी को आश्रम से निकालिए। तो महात्मा ने कहा, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और बड़ी सुंदर बात कही कि भैया वो तो बेचारा सहज भाव में खड़ा है, उथल पुथल तो तुम्हारे मन में हो रही। कहा उसने तो चार दिन पहले कंधे पर रखा और कंधे से उतार दिया, लेकिन तुम चार दिन बाद भी कंधे पर ही ढो रहे हो। तुम चार दिन से इसी बात को चिंतन कर रहे हो, उसने तो चार दिन पहले ही उतार दिया है, पर तुम आज भी उतार नहीं पाए हो। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो, देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, और नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ऐसी स्थिति से आप किसी भी आश्रम में आनंद से रहिए, और जब मन की स्थिति ठीक नहीं करोगे तो फिर कहीं पर भी चले जाओ, कहीं शांति नहीं है, कहीं आनंद नहीं है, फिर बोझ ही है वो आश्रम आपके ऊपर। इसलिए बोझ मत बनने दो आश्रम को, बोझ मत बनने दो जीवन को। अवत्री मुनि और अनसुईया जी की शरण में राम और जानकी लखन सहित पहुंचे हैं, बहुत स्वागत किया है, बहुत सम्मान किया है अनसुईया जी ने, और तुलसीदास जी ने भी कुछ इस तरह से गाया है कि अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। आज अनसुईया जी ने पास में बैठाया, बड़ा दुलार किया जानकी जी पे, और अब जलपान कराया, विश्राम कराया, और उपदेश भी दिए, ज्ञान भी दिया, दुलार भी दिया, एक माँ की तरह। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, कहीं भय एक व्रत ने मां, गाय वचन मन पति पद प्रेमा, गाय वचन पति पद जग पति वृता चार विधि अहई, जग पति वृता चार वेद वेद पुराण संत सब कहे, वेद पुराण संत सब कहे, हाँ उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगना, यम परपति देखहि कैसे, मध्यम पर देखहि जैसे,
फूल रही सोन कृष्ण क्रिय श्रुति अस कही सोन कृष्ण क्रिय पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होए पाए तरुणाई पति प्रतिकूल जैसे ही मिली अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोर विनीत ऐसे मिली हैं कि न जाने कब से जानते हैं एक दूसरे और सच बताऊं जब भक्त भक्त से मिलता है आपस में वो ऐसे ही मिलते हैं। अब आप सबको पहली बार देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार देखा है ऐसा लगता है न जाने कितने दिनों से मिले हैं। सीता जी और अनुसुईया भी इसी तरह से मिली हैं आपस में बड़ा प्रेम दिया और पतिव्रत धर्म को समझाया एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिप्रद प्रेम। अनसुईया सीता जी को सुना रही है समझा रही है जगत जननी मां तो सब जानती हैं पर फिर भी बड़े हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से श्रवण कर रही हैं। आप कितना भी जानो लेकिन यदि आप जिसको स्वयं से बड़ा मानते हो यदि कोई कुछ आपसे कहे तो उस समय अभिमान त्याग करके सुनना चाहिए। उत्तम के असबस मनमाही सपने हुआन पुरुष जंग अनुसुईया स्वयं एक पतिव्रता स्त्री है इसलिए वो जानती है कि मुझे उपदेश क्या करना है और वो जो स्वयं जीती है वही उपदेश करती उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं और प्रभाव भी तभी पड़ता है जब कथनी और करनी एक हो जाती नहीं तो उपदेश तो बहुत लोग देते हैं और बहुतों के उपदेश सर के ऊपर से चले जाते हैं। कई बार जीवन में जब कथनी करनी एक हो जाए तो जीवन परिवर्तित होते हैं जीवन बदला करते हैं और ये माताओं के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया है आज अनुसुईया जी ने सीता जी के माध्यम से। माता हमारे जीवन में कहते हैं कि चाहे मुख ना छुपाओ घूंघट में आंखों की शर्म ना घटे संभल कर चल और तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली ना किसी की उठे संभल कर चल तेरे उजले उजले आंचल पर धब्बा ना कोई भी लगे संभल कर इतना संभल कर के जीवन को जीना है माताओं के लिए तो और जिम्मेदारी की बात है। चाहे आपके तन पर आभूषण नहीं है कोई बात नहीं आभूषण तुम्हारी शोभा नहीं है लज्जा ही स्त्री नाम भूषणम लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। आंखों में काजल हो या ना हो पर लाज जरूर होनी चाहिए पैरों में पायल हो या ना हो पर तुम्हारी चाल चलन अच्छा होना चाहिए। जब चलो जिस रास्ते से चलो तो लोग कहें किसी अच्छे परिवार की बेटी जा रही है किसी अच्छे परिवार की बहू जा रही है। तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो तुम्हारा पहनावा वेशभूषा ऐसी हो तुम्हारा चिंतन ऐसा हो जो सबको प्रभावित करे। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम
स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, और तुम उस देश की देवी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी लगाना नहीं भूल कर मन आंगन में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये पथ बहनों भूल न जाना, झूठे हास विलासों में करना ऐसा काम कि जिससे नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी, थी कैसी भारत नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। एक एक घर को स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये हमारे देश में माताओं का स्थान बहुत ऊंचा इसीलिए है क्योंकि माताओं का चरित्र पूरी दुनिया को चरित्र सिखाता है। एक बार एक संत थे, वो भारत से बाहर कहीं यात्रा पर गए हुए थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक विचित्र सी घटना देखी। उन्होंने देखा कि कोई एक स्त्री है किसी कब्र के पास बैठी और उस पर पंखा ढुल रही है, हवा कर रही है। इस स्त्री के पति इस दुनिया में रहे नहीं है, पति का प्राणांत हुआ है तो कब्र में दफना दिए हैं। अब ये इसके पास बैठ करके हवा ढुल रही है और ये दृश्य वो संत देख रहे हैं भारत। वो मन में सोचते हैं कि ऐसा तो हमने भारत में भी इतना समर्पण नहीं देखा। स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, उनका मान सम्मान रखती हैं। पति जब बाहर से आए तो बड़ा सम्मान करती हैं, जलपान कराती हैं, भोजन कराती हैं, सारी व्यवस्थाएं रखती हैं। लेकिन इतना समर्पण हमने भारत में भी नहीं देखा कि पति चला गया है इस दुनिया से, उसके बाद भी उसकी कब्र पर भी हवा कर रही है। उनका मन एकदम द्रवित हुआ और वो जाकर के उस देवी को प्रणाम करते हैं, देवी तुम तो धन्य हो, जीवित पति की तो सेवा करते हुए हमने भारत में बहुत माताओं को देखा, स्त्रियों को देखा, लेकिन मृत पति की भी इतनी तल्लीनता से सेवा कर रही हो तुम कि एक घड़ी भी तुम चूक नहीं रही हो, लगातार पंखा करने लग रही हो, हवा करने लग रही हो। वो कहती महाराज आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, क्यों? बोले जब मेरे पति मरे थे, जब अंतिम समय था तो उस समय वो कह रहे थे कि देखो जब तक मेरी कब्र नहीं सूख जाती तब तक दूसरा विवाह मत करना। महाराज मैं तो उसको जल्दी से जल्दी सुखाने का प्रयास कर रही हूं, ये जल्दी से सूखे तो मैं। ये स्थिति भारत की नहीं है। भारत में यदि कुछ बिगाड़ आया है तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। यदि हमारे यहां कुछ बिगाड़ आया है तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सीता जी को उपदेश अनुसुईया जी दे रही हैं, वैसे ही राम जी भी उपदेश को धारण कर रहे हैं अत्रि मुनि के द्वारा। आपस में हम चाहते तो हैं कि बढ़िया सुंदर जीवन बीते, सभी चाहेंगे कि मेरी पत्नी बिल्कुल सीता जी की तरह हो, जो मेरी हर बात माने, आज्ञा का पालन करे। लेकिन भैया राम आपको भी बनना पड़ेगा। ये तो वो गाड़ी है जिसके दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी गृहस्थ की गाड़ी आगे बढ़ेगी, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। उतने प्रेम से अपनी बगिया को महका सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है।
कि अपने जीवन को सुंदर बनाओ और मैं अच्छा हूं, बस इसके लिए प्रयास करो। पर होता यही है कि हम एक दूसरे पर अपनी बात थोपना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी बात। यदि आप किसी की सुन सकते हैं तो कोई आपकी सुन लेगा। आप सहन नहीं करेंगे तो कोई और भी, जैसे आप हैं वैसी दुनिया बन जाएगी। आज माँ अनुसुईया और अत्रि मुनि दोनों को बिठा करके मानो उपदेश दे रहे हैं कि इस जीवन को सुंदर बनाना आपको आगे की पीढ़ी तक को समझाना है, इसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाना। और माँ अनुसुईया कई बार उनको अलग अलग तरीके से सीख दे रही हैं, सिखा रही हैं। माँ जानकी कहती हैं कि माता ये उपदेश मेरी माँ ने मुझे जब विदाई हो रही थी तब किए थे, मुझे सब समझाया था पर आपने और समझा दिया तो मुझे ऐसा लगा मेरी माँ ने कुछ कहा। वैसे तो मैं तो आपकी बेटी ही हूँ तो मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, आप तो सब स्वयं समझदार हैं। लेकिन उसमें बात छोटे और बड़े की नहीं है, हम सबको जब समझ आ जाए जीवन की तभी जीवन सुंदर बन जाता है। तो अब से आप सब मिलजुल करके अपने जो जीवन है, जो परमात्मा ने स्थान दिया है, चाहे गृहस्थ है, चाहे संन्यास है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे ब्रह्मचर्य है, उसको सुंदर जीवन बनाकर सुंदर ढंग से जीना सीखे। कई बार माताएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं, देखो कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे पति वश में हो जाए। कई बार ऐसा होता है, मैं उनको कितने भी उपदेश कर लूं, मैं उनको कितना भी समझा लूं, लेकिन वो यही कहेंगे कि मंत्र ऐसा दे दो जिससे वो वश में हो जाए। वैसे मेरे पास मंत्र है, अब जिस भी माता को चाहिए वो हाथ खड़ा कर दे। मंत्र तो है, चाहिए तो बताओ, फिर बाद में वहां पर लेने मत आना जो है अभी। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए, तो आपको यदि लगता है कि चाहिए तो आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। सबके लिए यह मंत्र है। और ये मेरा मंत्र नहीं है, ये हमारे महापुरुषों ने मंत्र दिया है। एक बार मैं पूछ रही थी तो एक बूढ़े से बाबा 80 वर्ष के हाथ उठाते, मुझे वश में करना है रे बाबा, अब क्या करना है वश में, अब तक नहीं है तो अब तो राधे राधे करो बस। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर हमें समझाया है, अगर मंत्र कोई है, संतों के पास सबका समाधान है, तो उन्होंने हमें एक मंत्र भी दिया है कि तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, ये सबके लिए मंत्र तुलसीदास जी ने दिया है। तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। अपने कठोर वचनों को त्यागो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और अपने गृहस्थ रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। यही उपदेश माँ अनुसुईया करती हैं, यही उपदेश अत्रि मुनि राम जी को करते हैं, और दोनों मिलकर के इस उपदेश को धारण भी करते हैं और हम सबको इस उपदेश को समझाते भी हैं अपने जीवन में धारण करने के लिए। इसलिए एक दूसरे से उम्मीद करने की अपेक्षा एक दूसरे को अच्छा
बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे पर बोझ बनने की अपेक्षा एक दूसरे को सुलझा करके सहज भाव से आगे बढ़ें। यही अभी सभी ज्यादातर तो बुजुर्ग हैं, इसलिए इस उपदेश को मुझे लगता है देने की जरूरत उतनी नहीं है। एक सूक्ष्म में इसलिए हमने दिया क्योंकि आपने एक जीवन का लंबा पड़ाव जी लिया है। ये जीवन जीने की शैली हमारे युवाओं को सीखनी है, नव जोड़े को सीखनी है। आप तो फिर भी संभाल कर ले चलते हैं, पर आज की स्थिति में जरा भी सहन शक्ति, एक दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता। पूरी श्रद्धा के साथ मैं तो राम जी से यही कहूंगी, हे रघुवर, हे रघुनाथ, हम सब के अंदर आप ऐसी लगन लगाना कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें और आपकी सेवा में सदैव रहें, सदैव तत्पर रहें, हमेशा आपकी कृपा पात्र बने। जैसे आपने केवट पर कृपा करी, हम पर कृपा करना। जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद के जीवन को तारा, हमारे जीवन को तारना। हमें उंगली पकड़ कर चलाना सिखाना। प्रभु हम समर्पित भाव से आपसे कहते हैं, ऐसा भाव ही हम कह सकते हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत मुझे लगती नहीं है आज के समय में। ये दुनिया बहुत समझदार है, बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। जब मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से, उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी, आप किसको समझा सकते हो, वो आपको ही समझा दे। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से, उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले, भैया हट जाओ इस बीमारी से, उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। तर्क वितर्क कुतर्क आपके पास बहुत हो सकते हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, जानकारी है, बुद्धि है, सबके पास कुछ बोलने की सामर्थ्य है, जुबान है, सब कुछ है, तर्क हो सकती है। लेकिन हर विषय को तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। कोई विषय तो जीवन में ऐसा भी रखो जहाँ समर्पित हुआ जा सके। भक्ति का विषय तर्क का नहीं है, जीवन का विषय तर्क का नहीं है, जिंदगी तर्क का विषय नहीं है, ये आश्रम तर्क के विषय नहीं है। ये तर्क से परे होकर के जब समर्पित भाव रखते हैं तभी हम जीवन जीना सीख पाते हैं। हर बात तर्क की नहीं होती। तर्क तो आप बहुत से कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, पर तर्क से समाधान नहीं निकलते, कुतर्कों से समाधान नहीं निकलते। जिज्ञासा मन में होना अच्छी बात है, पर कुतर्क होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम जिज्ञासु बने, हम प्रेमी बने, हमारे अंदर एक लगन लगे। आओ हम सब भाव से गाएं, लागी लगन मत तोड़ना। आओ हम अपने प्रभु जी से ये प्रार्थना करते हुए हम प्रणाम करते हैं। अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना,
Oh,
सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तो। कई बार भक्त बड़ी गहराई की बात कह जाते हैं। आज की कथा यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। आपको आदत पड़ी है ज्यादा खाने की। बोलो रामचंद्र भगवान की। ओ लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे, लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम। मैंने जाने को नहीं कहा है अभी। हाँ, हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे। आरती प्रसाद उसके पश्चात ही खड़े हुआ करो यहां से जाने के लिए। बाहर ये ध्यान रखना कि बिना प्रसाद के आप यूं सोचो कि कथा पूर्ण हो गई तो आरती भी आप ही के लिए है। ऐसा नहीं कि व्यास जी यहाँ आरती घुमाते रहे, और ये प्रसाद भी आप ही के लिए है। तो पूरा जब बैठे ही हो तो पूरा करके ही जाया करो। आज इसलिए समय से कथा विश्राम कर रहे हैं। हो लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम, हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, वैसे ईमानदारी से अगर बताओ तो आप इतने सब लोग हो, मैं एक तो मैं और एक मेरा माइक, हम दो हैं, बताओ। तो आप तो इतने हो, आपकी आवाज तो इससे भी ज्यादा नहीं चाहिए ना। लेते जाना रे, यही आवाज तो पहले भी थी, अब कहां से निकल रही है। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, एक साथ साथ, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि।
का नाम थोड़ा थोड़ा मन में ही रहे, लेते जाना रे प्रभु का नाम, राम 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 राम, सीता राम राधे श्याम, इसी रंग में रंगे रहना, आनंद आएगा 9 दिन तक बहुत, और आ ही रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये ऐसी भूमि है जिसमें पग रखते ही सारा दुख बाहर हो जाता है। ये वातावरण इतना सुंदर है, साक्षात मानो यहाँ परमात्मा उतर के आया है। कृपा है ईश्वर की हम सब पर, बहुत बहुत कृपा है। आप सबका कल्याण हो। आगे की कथा को हम कल प्रातः की बेला में श्रवण करेंगे। समय से आए और पूरे मन से बैठे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।